हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता भादू। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं आपके लिए लेके आती हूँ हैंड पेंटेड अच्छे अच्छे फैब्रिक्स पे, कॉटन और सिल्क पे अच्छे अच्छे पेंटिंग के डिज़ाइन। लेकिन जैसे ही पेंटिंग का डिज़ाइन आ जाता है, वैसे ही मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। डेली वर्क चल रहा है, डेली काम हो रहा है, डेली न जाने कितने सूट्स पेंट हो रहे हैं, लेकिन बीच में मैं आपके लिए डालती हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो जो आप सबको बूस्ट करे इसी तरीके से कुछ और काम करने के लिए। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप भी अपना काम शुरू कर सकती हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने देर कर दी है और अब अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो दुनिया न जाने कहाँ पहुँच चुकी है और हम उनको पकड़ ही नहीं सकते, हम उनका कोई भी कंपटीटर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मेरी वीडियो हमेशा स्पेशल लेडीज़ पे फोकस रहती है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी है और आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको मे बी फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कीजिए शुरुआत घर से। अब जैसे बहुत ही हम एक पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन घर से बहुत सी लेडीज़ अपना काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपके लिए एक और बात, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, आपको बहुतों को पता होगा बिकॉज यू हैव विजिटेड वेरियस एरियाज, आई नो वेरी वेल। तो आपको क्या करना है, आप देखिए आज भी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, एक लेडी बहुत पढ़ाई करती है और लास्ट में वो अपना पूरा जो डेडिकेशन है वो एक फैमिली, बस उसका दायरा जो है वो उस फैमिली में रह जाता है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाती है, वो कुछ काम नहीं कर पाती है, वो अपना टैलेंट है उसको शो नहीं कर पाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टैलेंट बाहर निकालना है, आपको अपनी स्टडीज़, अपना नॉलेज यूज़ करना है। आप एक बार नॉलेज यूज़ करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ है जो खाली होता जा रहा है। इट मीन्स एक नॉलेज भरा हुआ यहाँ पर बहुत सारा रखा हुआ है और वो निकल के बाहर आ रहा है। इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि एक जेंट्स जो होता है वही रेस्पॉन्सिबल है, वही कमाएगा और सबको खिलाएगा, बाकी सब उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप ये सोच के देखिए, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं लेकिन 18 इयर्स के होते ही वो भी खुद डिपेंडेंट हो गए, हस्बैंड वाइफ भी डिपेंडेंट है, आपके जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनकी भी कुछ ना कुछ पेंशन आ रही है, तो सोच के देखिए आपका घर कितना खुशहाल हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप खुद डिपेंडेंट होंगी तो आप अपने बच्चों को दिखा रही हैं कि आप डिपेंडेंट हैं, वो आपको देख के सीखेंगे ऑटोमेटिकली। भले ही आप जॉब के लिए बाहर रह रही हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास एक मैसेज जा रहा है कि माय मॉम इज़ डिपेंडेंट, इट मीन्स वी हैव टू डिपेंडेंट। तो इस तरह से आप उनको एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो अगर आप में भी कोई इस तरह का हुनर है, पेंटिंग का या फिर कुछ और, जो आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि कैसे उसको उजागर किया जाए या कैसे स्टार्ट किया जाए, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप व्यूज़ ले सकते हैं, कमेंट के जरिए आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से आपका जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो आपका थिंकिंग का एरिया भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो था इस चीज़ पे लेकर कि किस तरह से मैं आपको बूस्ट अप कर सकती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी बूस्ट अप होकर और अपना कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो गिव मी अ ग्रेट लाइक एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह की और अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू।